हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं छोला फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 23 जून 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले छोला फाइनेंस में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला 3% का एक नेगेटिव मूव। 11.00.20 पे क्लोजिंग हमें देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा नेगेटिव मूव रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाले उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल जो मीडियम साइज की बने नीचे की साइड में बारीक सी विक देखने मिल रही है। आरएसआई हमारा 61-60 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई या इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूव का है एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में मैं डाउन साइड जो है अराउंड सबसे पहले 1079 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में मूवमेंट हमें जो है इजीली 1041 तक आते हुए देखने मिल सकते हैं। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी तो स्टॉक कभी भी आपको जो अराउंड 1040 के आसपास अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजीली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक आप आराम से गिरने दें। स्टॉक अभी भी आपको जो है 850 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें। बहुत ही बढ़िया बाइंग करेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का लेवल है तो 100% कैपिटल ना डाले, 20-25% तक आप कैपिटल डाले, बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बनार के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे बनार का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कुछ यहाँ पे नीचे के साइड में सपोर्ट जरूर मार्केट, लेकिन इस रेंज में स्टॉक ने अपना जब यहाँ पे न्यू 52 हाई जो बनाया था यहाँ पे हमने कोई भी एनालाइज नहीं किया, तो यहाँ पे जरूर जो है मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस की जो मार्किंग यहाँ पे करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे नीचे के साइड में थोड़ी सी मैं मार्किंग जो है करके रख देता हूँ, फिर जूम करके हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1099 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1095 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1108 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन करने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 1084 का, उसके बाद कहता है 1071 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1117 का, उसके बाद कहता है 1125 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है। नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में यानी कि 1095 से लेकर 1108 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।